तो भाई कल के क्या है तेरा टास्क बता तो। वीडियो कॉल भाई, अगला भाई तो उसको वीडियो कॉल भी करता है, उसके मैसेज लाइक करता है। अबे यार ये है कौन? मेरा नाम तो मेरा ही है, सब कुछ मैं ही हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और आपका वीकेंड काफ़ी अच्छा जा रहा होगा। मेरा तो, मैं तो घर की तरफ जा रहा हूँ, वे टू होम। और फाइनली इतने हफ्तों के बाद, मतलब हो गए, मतलब एक दो हफ्ते, कितने हफ्ते हो गए भाई? दो तीन हफ्ते। हाँ तो बाहर निकले है ना, और मुंबई तक जाके आ गए हम इन दो तीन हफ्तों में। तो बहुत मतलब अपना ये लंबा सफ़र रहा है, मुझे दो तीन हफ्ते थे या दो हफ्ते थे या एक हफ्ता था, पता नहीं है, क्योंकि इतना लंबा टाइम लग रहा था। बट अभी अपन पहुंच चुका, मैं तो अभी रानीखेत में हूँ। कल मैं परसों दिल्ली था, फिर मैं कल परसों शाम को हल्द्वानी आए, हल्द्वानी के बाद हम आगे भीमताल, भीमताल के बाद आज मैं आ रहा हूँ घर को। तो अभी मैं आ गया हूँ रानीखेत पे, और ये वही अपनी जानी पहचानी रोड, यहाँ दौड़ते थे ट्रेनिंग में सुबह सुबह। लाल कुर्ती है, हाँ, इसके ऊपर एरिया का नाम है लाल कुर्ती। लाल कुर्ती ये वाली रोड पर हम दौड़ते थे, ये सुबह सुबह हमारी यहाँ पर होती है, क्या होता है, PPT होता है ना, एक टेस्ट होता है, ठीक है, और एक BPET होती है, वो भी इसी रोड पर होता है। तो जो ट्रेनिंग करता है वो इसी रोड में दौड़, उनका टेस्ट वगैरह होते हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे अपन लोग दौड़ते थे, अब ये मतलब मज़ा आता था उन दिन में भी। ये उस दिन में, उस टाइम पर ये जो जो अभी मैं कर रहा हूँ, जो अभी हम कर रहे हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं था भाई, है ना। उस वक्त मैं नया नया ज्वाइन हुआ था, हमारे को ट्रेनिंग से मतलब था, ट्रेनिंग में अपना टेस्ट पास करने से मतलब था कि भाई कैसे कैसे के बेस्ट निकलना है, टेस्ट पास करना है, फायरिंग में बेस्ट रहना है, और आपका BPET में बेस्ट रहना है, फिजिकल में बेस्ट रहना है, मतलब हर एक एग्ज़ाम, हर एक टेस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना है, ये रहता था अपना। निकाल और क्या है इसके अंदर, जूते। तो फाइनल दोस्तों, अब जो ये सामान निकल रहा है, ये सामान घर के लिए निकल रहा है, किसी होटल के लिए नहीं निकल रहा है। और गाड़ी की जो आदत हुई है दिनों में ना, खुदैच पड़ी है भयंकर, इतने क्या काली गाड़ी भाई, मेंटेन करना ही बड़ा मुश्किल है, खुदैच। ओए, तो जितने लोग नहीं जानते मैं दे देता हूँ, ये अपना है, ये ओए, ये अपनी जो दूसरी डॉग है लाली, ओल्ड डॉग, वफादार, इसका सोने का तरीका अलग है। ओए कैसे हो रही है, बहुत मुश्किल है वहाँ पर। ये आ गया, हाँ स्कूबी, देख तो मोटे, ये भी नया नया है ना, साल भर का, तभी ज़्यादा उछल रहा है, वो जो थी वो बुढ़िया होगी, ओल्ड। ओए तू कहाँ से, चल 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 चली का चली चल, ये याद नहीं किया तुमने मेरे को, कोई मतलब नहीं, आए बैठ जाएगा बस, हैं हैं। तो फाइनली आप अपन आ चुके अपने सेटअप पे, और अपना रूम सुनसान है, बहुत दिनों से मुझे याद आ रही थी इस रूम की, तुम खुद देखो तुम खुद देखो ना, कब से नहीं खुला है, ठीक है। तो ये बैठ गया यहाँ पे, हैं अपने को विजय सर ने मिठाई दी थी, आधे रास्ते में आता था, इसने खाई है, इसने खाई है, इसी ने खाई है, इसको भी दे दो यार, इसको भी देख ले, अभी भी वही खा रहा है भाई, इसको भी दे दो यार, भाई दे दो यार, देख तो बेटे, चमकीली चमकीली मिठाई है। तो अभी अपन आगे गौरव के घर, इसको छोड़ने के लिए, इसकी पकड़ी और ही गौरव के पापा है। तो भाई ठीक है, कितने दिनों बाद पहुंचा है घर? 20 दिनों। देख लो अंकल, ये हाल है इसका, 20 दिनों बाद घर आ रहे हैं, लगता है हैं, मैं कर रहा हूं ना फोन, इधर कहां है, क्या है, घर वाले इंतजार कर रहे हैं इसका, दुखी भी आ गई वो बात, चल बाय बाय, शाम को आता हूं, तू खाना खा के जा ना, मैं जाता हूं घर को, बना रखा है, बात कर रहा हूं, मेरा इधर ही है बागली में, हाँ ये देखो, उसका पता है, उनके पिताजी को पता ही नहीं है मेरा घर कहाँ है, आज इसकी क्लास ली जाएगी, इसने बताया नहीं है घर में भाई कहाँ काम करता है, क्या काम करता है, ऐसा है। तो जितने नए व्यूअर्स हैं अपने, जितने नए लोग हैं मेरे साथ, अभी जो हमारे ब्लॉग्स वगैरह देख रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हम खाली घूमते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं,
है ना, तो ऐसा कुछ है नहीं, अपन इधर ही रहते हैं और इधर ही जो करना है इधर ही हमारे घर से होता है। अभी अपन देखना देखने के लिए गए थे अपना जो भी है सेटअप टूर ना, मतलब सेटअप टूर कह रहा हूँ, जो भी स्टूडियो जो मेरा बनने वाला है वो देखने के लिए गए थे। लेकिन हम रहते गांव में ही बहुत, हम पहाड़ी हैं, अपन गांव से रहते हैं, उत्तराखंड वाले हैं। तो आपको अगर ऐसा लग रहा हो इधर उधर घूमता है, ओ, ओ, ये है इसका घर और ये कहता है इसके पीछे जितना एरिया दिख रहा है सब इसी का कहता है। अब उसकी क्लास ली जा रही है घर में। तो अभी अपन घुमा के चलते हैं। हाँ तो अभी देखो इसका जो टैंक है वो भी ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट। जो टैंक फुल कराया था दिल्ली से लेकर अपने घर तक लेके आया उसको मैं एक फुल टैंक में, अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो तेल भी भरवा के आता हूँ, है ना, तेल भरवाना अभी जरूरी है, हमारे भाई का टैंक फुल रहता है। तो अब हम आ गए हैं कमुदा के पास, कल से आज पहुँच रहे बताओ। फाइनली हम मैं अपन मिल चुका हूँ कम्मू डार्लिंग से, बहुत दिन हो गए थे। कितने दिन हो गए कमुदा बताओ? 15 दिन हो गए। दो हफ्ते से ऊपर हो गया भाई। अरे क्या बताएं, फुल मजे में हूँ। मुंबई दिल्ली वहाँ की जो पे पू पा 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 भाई, जब अभी हम पहाड़ों पर गाड़ी चला रहे थे ना, सुन सान भाई गाड़ी नहीं दिख रही वहाँ कि कोई गाड़ी तो दिख जाए। बाकी लोग आए वो घर गया अपने। तो अभी पहुँच रहे हो क्या? सीधे बाजार ही आए? तेल तेल भराने गया था ना गाड़ी में। सही है सब लोग इंतजार कर रहे थे कब से, बताओ किस चीज का इंतजार? कब बोलते हैं कि आज आ रहे हैं, बस कितने दिन के बाद। कल बता रहा था तू सुबह पहुंच जाऊंगा मैं शाम को। ऐसी है भैया मुश्किल है। तो दोस्तों जो फेक आईडी है ना, मैं क्या ही बताऊँ, मैं अभी दिन भर पूरा सोया था और सोने के बाद फिर मुझे इसका फोन आया, भाई इसके साथ क्या हुआ? चलो बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मेरे को मैसेज आया कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते। मैंने कहा हम लगाता हूँ, नॉर्मली बात चल रही थी। उसने कहा कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, ये तो फेक आईडी है। मैंने उसके अंदर कॉल किया, ऐसा हुआ। पैसे देना पड़ेगा, आपको कितना परसेंट देना पड़ेगा बोला था। कुछ आइडिया नहीं, स्क्रीन शॉट शेयर करूंगा। मेरे को बोला था कि आपको भी 1,00,000 रुपये देना पड़ेगा। मैंने कहा यार दिनेश तो, दिनेश की आईडी तो है नहीं, मैं चेक किया उसके बाद। फिर मैं उसके बाद तुमको कॉल किया तब मेरे को पता चला। अरे अब फेक आईडी वाले भाई, मेरे पड़ोस में रहता है, मेरे बगल में रहता हूँ, है ना। 1,00,000 रुपये देना पड़ेगा, इतना फेक आईडी बना पड़ा है और वो मेरे ही पर्सनल आईडी का फेक आईडी बना के मेरे ही रिश्तेदार मेरे ही नोइंग्स को मैसेज कर रहा है कि मैं आपका पैसा लगवाऊंगा और आपको इतना परसेंट दूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी दिया है अभी भी दे सकता हूँ। भाई मेरे को फोन कर रहा है, भाई ऐसा है क्या, दे दूँ क्या पैसे, कह रहा है दिखा। अबे यार ये वीडियो कॉल भाई, अगला भाई तो उसको वीडियो कॉल भी करता है, उसके मैसेज लाइक करता है। अबे यार ये है कौन? मेरा नाम तो मेरा ही है, सब कुछ मैं ही हूँ। ये देख 11.7 के भाई रील्स में देखना, अभी रील्स में 500 व्यूज भी जा रहे हैं भाई, ये देख रहा है। अब कौन कहेगा मेरी पर्सनल वाली आईडी असली है नकली है, बातें देखना यहाँ से। मैंने ये क्या भेजने लग गया आज, हमारी मैंने कहा फाइन फाइन सर। मैं भी मजाक लिख कर रहा था। अरे गुड सर मजाक। अबे यार तुम भाई थोड़ा सा संभल गया ना, मेरी साइड से कभी कोई ना मैसेज आएगा, ना कभी मैं पैसे मांगता हूँ, ना मैंने मांगा है ना, ना मांगूंगा कि मेरे साइड से कोई आपको पैसे मांगने के लिए या किसी भी टाइप की सर्विस देने के लिए ऑफर करने के लिए कभी कोई मैसेज ना कभी आएगा ना कभी आया। मेरा जो चलता है ना, जो भी चलता है वो सिर्फ ऐप के अंदर, मेरा पर्सनल ऐप है उसी के अंदर है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। दोस्तों फाइनली हम अपने पहुँच चुके हैं सेटअप पर, सिस्टम पर, जो आपने देख लिया होगा सुबह। ये अभी क्लास की तैयारी करता है, अभी अपनी क्लास भी है और बहुत ज़्यादा मेरा एक तो पता नहीं यहाँ ये वाला हाथ में क्या हो गया, एक ये वाला हाथ पाई मेरा सुन हो गया था, मतलब एक तरीके से नस दबी थी। तो जब मैं घूमा तब बहुत ज़्यादा चला तो फिर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा, वो ऐसे ऐसा मतलब तेज तेज खून गया होगा, तब भयंकर दर्द, अभी भी सोने में दर्द। तो मैं अभी 2-3 घंटे घर आने के बाद सीधा सोया ही था, पूरा सोया, इतना मतलब बहुत ज़्यादा सोया था। तो वो जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और यहाँ यह तो ऐसा हो रहा है कि फ़ोन पकड़ने से नहीं फोन पकड़ के नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये होप अपनी नस दब गई है। तो सब मैं सोया था बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा थकान एकदम मिटाई है। अब मंडे से होगा सिस्टम पर काम और कल है संडे, कल अपन कुछ करेंगे थोड़ा सा, देखते हैं कहीं थोड़ा सा मतलब ठंडी ठंडी हवा में थोड़ा सा आराम, दायक जगह में जाता हूँ। बाकी अभी मम्मी पापा सब कोई था नहीं यहाँ पे, सब गांव गए हुए थे, तो अभी आए हूँ, कुछ गांव में प्रोग्राम था, है ना। तो अभी मैं जाके थोड़ा सा अभी मिलूंगा मम्मी पापा से। तो अभी मैं आ गया मम्मी के पास।
सोई है, गांव गई थी, थक गई बहुत ज्यादा और ये सोई है एकदम अभी, क्योंकि चलते हैं ना बहुत ज्यादा। मैंने आपको बताया कितना लंबा है, लेकिन मम्मी को आदत है, लेकिन फिर भी थक गई हूँ तो अभी सोई थी। हाँ अच्छा, सांप कहाँ? हाँ घर गांव वाले घर में पीछे सांप वाप था बता दी मम्मी सब, उसको घास वास उखाड़ने के लिए गई होंगी तो सांप वाप मिल जाते हैं। तो गांव में ऐसे ही होता है सांप और आपके जो जोंक होते हैं, जुक कहते हैं जिसको, और बहुत सारे कीड़े मकोड़े। मम्मी को आदत है, मम्मी ऐसे उठा के फेंक देती है ऐसी फेंका होगा फिर तो मम्मी भयंकर वो है एकदम खतरों के खिलाड़ी है मैं। तो अभी मम्मी से मिल लिया, मम्मी पूरा पहाड़ी में बोलती है तो आप लोग कुछ कुछ को समझ आएगा पहाड़ी, बाकियों को नहीं आएगा। और अभी अभी देखेंगे, अभी अपना कुछ है क्लास है, क्लास वगैरह करता हूँ थोड़ा, बहुत टाइम हो गया, मैं इतना टाइम से घूम रहा था तो और घूमते घूमते ट्रैवल है, मैं ट्रेड करा तो मेरा भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा लड़खड़ा रहा था, क्योंकि सिस्टम बनी है अब। ये मेरा दूसरा वाला कुत्ता भौंकने लग गया, वफादार गेट पे बैठ रहा था वो, जो सुबह सुबह घर में घुस रहा था जब मैं देखा नहीं था, वो सोई थी वही है, तो रेडी लाली वो रेडी होगी, अटेंशन अटेंशन मोड में हो गई। बाकी यार देखो जो ये जितना फेक अकाउंट्स में बहुत सारा बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रहा है, मेरी पर्सनल आई डी से तो है ही है और स्टॉक बर्नर से बहुत ज़्यादा है। तो भाई कल के क्या है तेरा टास्क बता तो करा दूंगा तो दोस्तों मैं जेल जाओ मैं क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉल आया, मेरे पास दो तीन लोगों के कॉल आया, भाई आपके आपको मैंने 10,000 ट्रांसफर किया था उसका क्या हुआ ये हुआ, मतलब इनको फ़ोन आया तो मेरे नाम पे ऐसा लोगों के साथ चीज़ें हो रही है तो वो ठीक नहीं है। तो अपनी साइड से मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ कि हाँ यार एटलीस्ट कल के दिन में कुछ बड़ा किसी के साथ कोई चीज़ होती है फेक के थ्रू तो एटलीस्ट मेरे पास बताने के लिए हो यार, मैं पहले से ये चीज़ FIR किया हुआ हूँ। हाँ मैं हाँ बना तो वो चीज़ कल होगा। कल भाई कल खुला रहता है क्या थाना? चल तो संडे है, थाना तो खुला रहता है, पुलिस है वो। हाँ तो भाई साल चलती है पुलिस, छुट्टी नहीं होती पुलिस। हाँ तो इसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड पुलिस बैंक है में ही है, तो कल वो चीज़ें हो जाएंगी। बाकी कहीं भी आपको मेरे नाम से कोई वो दिखता है आप डायरेक्टली अपने को मेल करके बता दो वो चीज़ें ऐसा ऐसा हो रहा है कि मैं कितने रिपोर्ट के लिए डालू, मैं कितने को डालू, एक बंद फिर दूसरा बन जाता है तीसरा बन जाता है ना, तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। मेरी रिश्तेदार मेरी रिलेटिव मेरी नोइंग मेरी फ्रेंड्स को ऐसी चीज़ें मैसेज करते हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है मेरे दोस्तों को कि मैं ही कर रहा हूँ, इसको दे देते हैं सच में ही हो ये ऐसे हमें रिटर्न बना के दे देगा, ऐसा नहीं है। वो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स की बात करते हैं, वो क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हैं, वो आपको कहते हैं 30,000 दो 90,000 सामने अगले एक दिन 24 आवर्स में ले लो, 10,000 दो 30,000 24 आवर्स में ले लो, ये सारी चीज़ अनरियलिस्टिक हैं अनलॉजिकल हैं। तो कृपया करके इन सब चीज़ों में आप बिल्कुल भी ना पढ़ें, और ये चीज़ें अगर होती हैं तो तुरंत तुरंत रिपोर्ट कर दो उसको, कोई से मेरी ही अगर आपको लग रहा है मेरा मैं रियली हूँ फिर भी रिपोर्ट कर दो, क्योंकि मैं करता ही नहीं, मेरी साइड से इतना है ही नहीं कि यार ऐसी चीज़ें वो करें ऑफर है। ठीक है तो दोस्तों अभी अपना क्लास हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है क्लास, और अब हम सिस्टम में रेडी हैं तो इसने एंड अप कर दिया है क्लास को। तो बाकी यही था अभी आज का पहला दिन, घर पर पहुंच गए, घर पर अलग फीलिंग आता है बहुत टाइम बाद, जब एक होता है आप बाहर रहते हो तो हाँ मेरे घर के नीचे ही बजा के ले जा, ये बड़ा मुश्किल है यार हॉर्न, एक बार होता है पी, एक होता है पी 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 पी, तभी तो ये बहुत दिक्कत आता है घर रोड के बगल पर होना, फायदा भी है नुकसानदायक बहुत दोनों चीज़ें होती हैं। एक मैं हाँ मैं बात कर रहा था होटलों में रहना, होटलों में जब एक दिन रहते हो ठीक है, दो दिन रहते हो ठीक है, चलो तीन दिन रह लेते हो ठीक है, लेकिन आप कंटिन्यू 15 दिन रहते हो ना, एक हफ्ता दो हफ्ता तीन हफ्ते हो जाते हैं ना, फिर आप कहते हो कि यार कब कब जाएं घर, कब निकले यहाँ से, है ना, तो वो वाला फीलिंग आ रहा था। तो अभी घर पहुँच के वो थोड़ा सा ठीक हुआ है, अभी अपन रिलैक्स होके बैठ चुके हैं घर पे। बाकी आपको अगर ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, आपको डीमैट अकाउंट खोलना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जो कि पेटीएम मनी का है, वहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वो मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उस पर एक चीज़ देखा है ब्रोकरेज का, ब्रोकरेज में 15 रुपीज़ पर ऑर्डर ब्रोकरेज जा रहा है, और पेटीएम मनी एक अच्छा एक थोड़ा उसका एक नाम भी है और एक अच्छा आप कह सकते हो ब्रोकर भी है। बाकी इसमें बास्केट ऑर्डर ये सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, और इंटरफेस मैंने उसका खुद चेक किया है, मतलब उसमें अपना डीमैट अकाउंट खोल के मैं खुद अपना ट्रेड स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उस पर ऑलमोस्ट 0 ब्रोकरेज का ऑफर चल रहा है अभी जून महीने में, आपसे कोई ब्रोकरेज नहीं लिया जाएगा, आप ट्रेड कर सकते हो ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग करते होंगे, बहुत सारे ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ब्रोकरेज तो भर भर के जाता है, तो थोड़ा सा हो सकता है आपका कहीं ना कहीं कुछ बच जाए, और दूसरा हो सकता है वो जून के बाद जुलाई में एक्सटेंड हो जाए, तो आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बाकी उसमें और क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या चीज़ें मैं आपको
आपको आगे अगले ब्लॉग में बताऊंगा। मैं जब चार्ट पर कुछ चीज़ें मैं जब चीज़ खुद उसको अप्लाई करूंगा तभी मैं आपको और अच्छा चीज़ें बता पाऊँ कि हाँ ये है ये है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ब्रोकरेज उसमें थोड़ा सा कम है। और अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो बस बिना सीखे मत करना। और मेरी साइड से लर्निंग वीडियोस ऑलमोस्ट आ जाएंगी जल्दी, क्योंकि स्टूडियो में मैं उसका पूरा रिकॉर्ड करने वाला हूँ। सारा कंटेंट रेडी है, सब कुछ रेडी है, रिकॉर्ड भी हो चुका था, लेकिन वो जो आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट शायद इफेक्टिव नहीं होगा जो सीखेगा जो देख रहा होगा। हाँ, ये पीपी इधर ही बजता है तो उसके लिए हो सकता है वो इफेक्टिव ना हो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एटलीस्ट उतना तो सीख के जाओ, उतना तो सीख के जाओगे ही जाओगे। अगर मेरे ऐप पर अगर आप आए हो तो ऐप डाउनलोड करके देखो, वो सारी चीज़ें आपको ऐप में मिल जाएंगी। बाकी यही था मेरा आज का ब्लॉग, और कल है संडे, कल हम क्या करेंगे वो आपको अपडेट मंडे के ब्लॉग में अपडेट मिल जाएगा। घर पर हम ऐसे ही करते हैं, घर पर अपन ऐसे ही रहते हैं, और जिसको लग रहा होगा बाहर ही तो घूमते रहते हैं, ये करते रहते हैं, भाई काम थे, काम के चक्कर में गए थे, चीज़ें बहुत सारी हुई इसलिए गए, वरना अपने को ज़्यादा मन नहीं करता इधर उधर जाने का। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।